दिस इज़ माई पार्सल जो कि मैंने डिज़ायर एसेसरीज से ऑर्डर किया था। ठीक है जी, अकेले अनबॉक्सिंग करना बड़ा ही टफ होता है। आप लोग के सामने कर रही हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ ज्वेलरी अच्छी लगी थी तो मैंने वो ऑर्डर की है, जिनमें से एक जो है वो सिल्वर की है, उन्होंने कहा था। ये देखने के लिए मैंने किया था डिज़ायर एसेसरीज से ऑर्डर। दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल। ये बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है पेंडेंट, बहुत प्यारा है। इन्होंने कहा ये प्योर सिल्वर का है और इस पर स्टैम्प ही लगी हुई है। और दूसरा जो है वो सिल्वर प्लेटेड ब्रेसलेट है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे एक्चुअली रिंग पसंद आई थी बट उसमें साइज़ नहीं था, तो मैंने कहा ओके नो इशू, हम ये ऑर्डर कर लेते हैं। दिस लुक आल्सो सो ब्यूटीफुल। ये खुलेगा बंद पता नहीं कैसे होगा। खैर, दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। जब इसको वेयर करूँगी तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मैं इनका लिंक भी आप लोग को डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग ये इनका पेज रिव्यू कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छी अच्छी एसेसरीज़ थी इनके पास। ये है हमारे भाई जी जो कि मोबाइल में टिकटॉक में वीडियोस देख रहे हैं बहुत मज़े से, और इनको नहीं पता और ये मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ अपलोड मत करना, बट आज मैं अपलोड करूँगी इसकी जो है व्लॉग में, इसको मैं आज लूँगी। ओ माई गॉड यार, किसके टिकटॉक देख रहे हैं आप? चलिए ठीक है, मैं आपको और शूट नहीं कर रही, हेलो तो कर दें। नो, आई विल अपलोड टुडे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? और सुबह हो चुकी है, यहाँ मेरी चाय चल रही है। कब हो रहा है बहुत गंदा, क्योंकि मैं जो है पार्सल रिसीव करने में बिज़ी हो गई थी, तो मैंने उसकी अनबॉक्सिंग भी उसी टाइम कर दी, क्योंकि जब पार्सल आ जाए तो उसको खोले बगैर सुकून नहीं मिलता। सो उसके बाद मैंने जल्दी से चाय को दोबारा गर्म किया और बस जो मग था उसी में मैंने डाल ली और अब मैं चाय ले रही हूँ। चले, आज दिन का शुरुआत हो चुकी है, आगे आप लोगों से मुलाकात होती है। सो आई एम रेडी हेयर। एक्चुअली एक्सपो स्टोर से काफ़ी लोग शॉपिंग करते होंगे, वहाँ पे जो है लगी हुई अप टू 70% ऑफ। मुझे नहीं पता क्या सीन है, क्या चक्कर है, बट मैंने सोचा चलो विज़िट कर लें, दो चार टी शर्ट्स अच्छी मिल जाएंगी तो मज़ा आ जाएगा। सो मैंने कहा चलो जाके विज़िट भी करते हैं और कुछ देखते भी हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। और मुझे टेलर से कपड़े पिक करने थे, बट लेट्स सी, क्योंकि उसने मुझे 10 बजे का बोला और आजकल मार्केट्स 8 बजे बंद हो रही है, तो या तो मैं आज उसे पिक करूँगी, अदरवाइज़ कल आ रहा है फ्राइडे, और अगर फ्राइडे को तो जाना मुश्किल है, थोड़ा मार्केट्स बंद होती हैं। सो या तो फिर मैं सैटरडे को पिक करूँगी या मैं फिर देखती हूँ 10 बजे जाके पिक करती हूँ। सो बस अब निकलते हैं बाहर और थोड़ी सी छानबीन करते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या सेलें लगी हुई हैं, क्या क्या है, कुछ वारे में आ गया तो ले लेंगे, अदरवाइज़ ऐसे ही विंडो शॉपिंग करके आ जाएंगे। टी शर्ट्स किस तरफ होंगी, डिस्काउंटेड? इन पर 70% नहीं लगाया आपने? सो फाइनली रात के बज रहे हैं 2 और मैं
इंजॉय कर रही हूँ आइसक्रीम, मुझे हल्का सा फ्लू भी फील हो रहा है बट फिर भी बहुत क्रेविंग हो रही थी आइसक्रीम की, तो अंकल चलो जी थोड़ा सा इंजॉय ही कर लें। और दूसरा ये कि बस आज का दिन थोड़ा सा टफ था, कुछ काम वगैरह चीज़ें बाहर के, कुछ व्लॉग में मैं शूट कर सकी, कुछ चीज़ें मैं व्लॉग में शूट नहीं कर सकी बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट और चीज़ों की वजह से। और दूसरा ये चीज़ के मरियम फहद ने जो है सितारे यासीन के लिए गिफ्ट भेजा है, इट लुकिंग सो नाइस, कि इतने अच्छे लोग भी होते हैं कि मतलब अपनों से अच्छे तो गैर होते ना, वरना सितारे यासीन के तो अपने ही उनके लोग इस तरह के फजूल फजूल कमेंट करते हैं, बट वो एक फ्रेंड होके, वो भी सऊदीया में होके उनको याद था कि जी मुझे अपनी फ्रेंड को विश करना है, कॉन्ग्रेचुलेट करना है, तो उन्होंने एक स्पेशल सा गिफ्ट उनके लिए भिजवाया। शी इज़ सो नाइस और बहुत क्यूट है वो यार, सीरियसली बहुत क्यूट है वो। सो इंसान को ऐसे होना चाहिए, हर किसी की खुशी में खुश होने वाला हमेशा खुश रहता है। आज का जो मेरा कहते हैं ना एक टैगलाइन थी, वो ये थी हर किसी की खुशी में खुश रहने वाला हमेशा खुश रहता है। तो चले जी वीडियो को एंड करते हैं, व्लॉग पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।